हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए जो सामान लिया है वो है दो प्याज। अब दो प्याज लिए हैं तो मैंने यहाँ पर चार टमाटर लिए हैं। उसके साथ साथ आपको चाहिए होगी काफी सारी लहसुन, अदरक भी चाहिए होगी और दो तीन हरी मिर्चें भी चाहिए होंगी। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप कच्चे आलू का भी यूज कर सकते हो, पर उबले हुए आलू से थोड़ा टेस्ट बेटर आता है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले हाफ में डिवाइड किया है, फिर इनको चार पार्ट में ऐसे बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड किया है। आप चाहो तो आप छोटे भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा चंकी चंकी पीसेस अच्छे लगते हैं इसमें। अब आती है ये सोयाबीन की बात। तो जो सोया वड़ी है या सोया चंक्स है, मैंने यहाँ पर एक कप सोया चंक्स लिए हैं। उसको पानी में डाल के रखा है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन के साथ साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला है ताकि इसमें थोड़ा खट्टापन भी आए और जो सोयाबीन का अंदर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। और जब वो फूल जाए, ये देखो आप, जब अच्छे से फूल जाए फिर 15 से 20 मिनट बाद आप इनसे इनका पानी निकाल देना। पानी आप यहाँ पर अच्छे से निचोड़ के निकालना, ये देखो। अच्छा, फटाफट देख लेते हैं हमारा तड़के के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने बस अपनी मिक्सी में प्याज को काट दिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें सब कुछ थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से एक साथ पीस दिया है। और जो टमाटर है उनको अलग से एक पेस्ट बना लिया है। तो अब यहाँ पर सोया वड़ी में टेक्सचर लाने के लिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आपको डीप फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप कढ़ाई में तेल डालना, उसको रखना मीडियम फ्लेम पे और पहले हम यहाँ पर अपनी सोया वड़ियों को फ्राई करेंगे। जब आपका तेल गर्म हो जाए फिर आप यहाँ पर डालना अपने सोया वड़ियाँ। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बस आप इसको अच्छे से स्टर करते रहना। मॉइस्चर तो वैसे भी हमने सारा निकाल दिया है तो ये बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ऐसे दिखने लग जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने ही शुरू हो जाए, तो अब इनको एक फटाफट निकाल लेना है टिश्यू पेपर के ऊपर। अब ऐसे ही आपको आलू को भी शैलो फ्राई करना है। मैं यहाँ पर उबले हुए आलू यूज़ कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो आप यहाँ पर कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हो। अब आलू को मैं अच्छे से पकाऊंगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप भी इसको अच्छे से पकाना ताकि इसके अंदर के स्टार्च फूल जाए और जब हम इसको ग्रेवी में डालें तो ये ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा भी करें और टेक्स्चर भी बहुत ही बढ़िया आए। ये देखो आप, जब आपके आलू गोल्डन ब्राउन ऐसे दिखने लग जाए तो अब इनको भी निकालना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर। अब आप बोलोगे कि यार भरत भाई, इतना तेल यूज़ करोगे अपनी ग्रेवी में। मैं यहाँ पर सारा तेल निकाल लूँगा और बस हम थोड़ा सा ही तेल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ही यहाँ पर तेल का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना ग्रेवी बनाने के लिए। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले डाला है लगभग आधा चम्मच जीरा, साथ में 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करें, बहुत ही सिंपल मसाले यूज़ करें। इनफैक्ट मैंने पिसे हुए मसालों में भी ज़्यादा कुछ यूज़ किया ही नहीं। तो जब आपका जीरा अच्छे से चटकने लग जाए, उसमें से अच्छे से बबल जाने लग जाए, फिर आप यहाँ पर डालो हमारा अनियन पेस्ट। अब यहाँ पर अनियन पेस्ट पकाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्या है कि अनियन पेस्ट पकाने में तेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम तेल तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो ये बहुत ही लाजमी बात है कि प्याज तो नीचे कढ़ाई में चिपकना ही चिपकना है। ये देखो आप, है ना। तो अब इसको पकाएं कैसे? तो इसको पकाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप इसमें ज़्यादा तेल मत डालना, नहीं नहीं नहीं, आज थोड़ा सा पानी डालना। थोड़ा सा पानी डालने से जितना भी नीचे चिपकेगा वो अपने आप निकल जाएगा और ये करने से आपके पास प्याज में काफ़ी कंट्रोल होगा। आप इसको अच्छे से स्टर करते रहना और जब भी आपके प्याज नीचे चिपकें तो आप थोड़ा सा पानी बिल्कुल डाल सकते हो। तो आप अच्छे से स्टर करते रहना और देखते ही देखते ये देखो आप, प्याज ने भी अच्छा सा ब्राउन कलर ले। तो अब आप यहाँ पर डालो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च पाउडर। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसके साथ साथ। बस मैंने बाद में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, बस आप इनको भी अच्छे से भुनना। और जब आपके मसाले अच्छे से भुन जाए तो अब आपको यहाँ पर डालना है हमारा टमाटर का पेस्ट, वो आप यहाँ पर डाल लें। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डालना है नमक ताकि टमाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से पके। तो मैं तो यहाँ पर इसको ढक के पकाऊंगा ताकि ये बहुत ही फास्ट बन जाए, फटाफट से तैयार हो जाए। तो आप इसको आराम से 5 से 6 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकने दें ढक के, यानी कि आपको तब तक पकाना है जब तक टमाटरों से तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। और जब आपके टमाटर से तेल अलग होना शुरू हो जाए, अच्छे से आपका मसाला पक जाए, तब यहाँ पर डालो हमारे फ्राई किए हुए आलू और सोया चंक्स। इसके साथ साथ आपको डालना है भुनी हुई कसूरी मेथी और काफ़ी सारा गरम मसाला। हमने खड़े मसाले तो ज़्यादा डाले ही नहीं हैं, तो अब गरम मसाला यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालना।
बस आप इसको अच्छे से मसाले के साथ भूनना लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और इस ग्रेवी को एक गाढ़ापन देने के लिए मैं यहाँ पर एक आलू को अच्छे से मैश कर दूंगा। आप ये देखो, ये एक पीस को मैश करने से ही ग्रेवी में एक थिकनेस सी आ जाएगी और इसका पानी बिल्कुल अलग नहीं होगा, जो नॉर्मली घरों में हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर आप यहाँ पर डालना पानी। अब सोया चंक्स में खुशबू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब खुशबू को काउंटर करने के लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमने कसूरी मेथी तो डाली ही है, लेकिन एक चीज़ है वो है केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो इस करी में आप ज़रूर डालना, उसे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस आप इसको ढक के लगभग 3 से 4 मिनट ढक के पकाना, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। 3 से 4 मिनट बाद ये देखो आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। तेल भी ऊपर आ चुका है, ग्रेवी की खुशबू भी बहुत अच्छी है। और हाँ, मैंने तो इसमें केवड़ा वाटर डाला है, अगर आपके पास हो तो आप डालना, अगर नहीं है तो आप रहने देना। दोस्तों है ना बहुत ही बढ़िया।